दिखने में ये तस्वीर है भले ही किसी गांव के ग्रामीण चित्र के गांव की नज़र आती हो, लेकिन ये तस्वीर है देश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई के वडाला इलाके की है। मुंबई का वो वडाला इलाका जहां पर देश भर के तमाम अलग अलग हिस्सों से श्रमिक मजदूर रहने और कमाने के लिए गुजर बसर करते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के वजह से लगे लॉकडाउन ने इन मजदूरों को खाना पानी से वंचित ही नहीं किया, बल्कि इनको मुंबई में रहना दुश्वार कर दिया। ऐसे में ये मजदूर अपने गांव की तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि मुंबई से ये मजदूर अपने गांव पहुंच जाए। वडाला इलाके में बड़े पैमाने पर मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जमा हुए और अपने गांव की तरफ जाने के लिए मुंबई के घरों से बाहर निकल पड़े। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जो ट्रक ड्राइवर इन मजदूरों को लेकर जा रहे हैं, ऐसे में उनसे 5 से 6 हज़ार रुपया लिया जा रहा है और मोटी चमड़ी के ट्रक वाले अपनी काली कमाई कर जेब भर रहे हैं। जिस वक्त इन गरीब मजदूरों के पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है।